हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रमेश कुमार तंबोली, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, किरोड़ी मल गवर्नमेंट आर्ट्स एंड साइंस ऑटोनोमस कॉलेज रायगढ़ से। आज हम फिश फार्मिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। फिश फार्मिंग एमएससी सेमेस्टर फोर्थ जूलॉजी के अंतर्गत ऑप्शनल ग्रुप फर्स्ट पेपर फोर्थ एप्लाइड फिशरीज में सम्मिलित है। यूनिट थर्ड चैप्टर फोर्थ में फिश फार्मिंग का समावेश किया गया है। फिश फार्मिंग को अध्ययन के दृष्टिकोण से सुविधाजनक बनाने के लिए मैंने इसे तीन भागों में विभाजित किया है। आज फिश फार्मिंग के अंतर्गत पार्ट वन प्लानिंग ऑफ फिश फार्म का अध्ययन करेंगे। यहां पर आप देखें कि फिश फार्मिंग एक वृहद क्षेत्र है और फिश फार्मिंग के लिए तीन महत्वपूर्ण चरणों में तैयारियां करनी होती है, जिनमें से पहला चरण है प्लानिंग ऑफ ए फिश फार्म, दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म और तीसरा मेंटेनेंस ऑफ फिश फार्म। आइए सबसे पहले हम देखें फिश फार्मिंग में उसकी प्लानिंग एक सक्सेसफुल तरीके से कैसे किया जा सकता है। प्लानिंग ऑफ फिश फार्म का अध्ययन करने के लिए हमने कुछ बिंदुओं को इसके अंतर्गत शामिल किया हुआ है। ये बिंदु इस प्रकार से हैं: पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, यह टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग दो बिंदुओं पर अध्ययन किया जाना है, ऑब्जेक्ट बेस्ड फार्मिंग और सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग, तीसरा प्लानिंग ऑफ ए फिश फार्म। जब एक फिश फार्म की शुरुआत करने की योजना बनाई जाती है तो किन किन महत्व बिंदुओं का ध्यान करना होता है वो इस तरह से हैं: सिचुएशन ऑफ द फिश फार्म, टोपोग्राफी, सॉइल प्रॉपर्टीज, वाटर सप्लाई, एम्बैंकमेंट, ड्रेनेज, ओवरफ्लो स्पिलवे एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल। और ये सारे जो विषय वस्तु हमने यहाँ से लिया हुआ है वो हम रेफरेंस के अंतर्गत देखेंगे। इंट्रोडक्शन। फिश फार्मिंग का मतलब है फिश की सेलेक्टेड प्रजातियों का, जो स्वच्छ जलीय होती हैं, उनको अपने सुपरविजन में कल्चर करना। और कल्चर करने के लिए ये जरूरी है कि जिस पॉन्ड में उनका कल्चर किया जा रहा है वहाँ उन फिशेस के लिए जो जरूरी फिजिकल और केमिकल रिक्वायरमेंट हैं, उनके हैबिटेट की प्रॉपर्टी से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करना होगा। मार्केटेबल साइज फिशेस आर ऑब्टेंड इन ए शॉर्ट पीरियड बाय एक्सरसाइजिंग ए कंट्रोल ओवर फीडिंग एंड ब्रीडिंग एंड ग्रोथ ऑफ द फिश। फिश फार्मिंग की प्लानिंग में महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जो फिश फार्म का आउटपुट होगा, जो यील्ड या क्रॉप होगी, उनमें से जो मार्केटेबल साइज की फिशेज हैं जिनकी मार्केटिंग करनी है उनका प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जाता है। और इसके लिए
जिन फिशेस की प्रजातियों का कल्चर किया जा रहा है, उनकी फीडिंग का, उनकी ग्रोथ का तथा उनकी ब्रीडिंग का विशेष तौर पर वैज्ञानिक तरीके से ध्यान रखा जाता है। ये जो फिश फार्मिंग है वो इस उद्देश्य से और इस तरीके से की जाती है ताकि जो लिमिटेड वाटर रिसोर्स है उसका एक सीमित समय में उपयोग करते हुए अधिकतम मात्रा में फिशेस का उत्पादन किया जा सके। इसी तरह जो फिश का प्रोडक्शन है वह फिश फार्मिंग में किए गए व्यय की तुलना में हमेशा बेहतर होना चाहिए, तभी वो प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल फिश फार्म के रूप में जाना जा सकता है। फिश फार्मिंग किन उद्देश्यों से महत्वपूर्ण है वो इस तरह से है कि फिश ह्यूमन फूड का एक सप्लीमेंट पार्ट है और फिश फार्मिंग के द्वारा निर्धारित मात्रा में फिशेस का प्रोडक्शन करते हुए ह्यूमन कंजम्पशन के लिए उन्हें मार्केट में उपलब्ध कराया जा सकता है। दूसरा, मार्केट में फिश की जो आवश्यकता होती है उसके अनुरूप मार्केट में फिश की सप्लाई की जा सकती है। मार्केटिंग के द्वारा जो फिश फार्मर हैं उन फिश फार्मर्स को एक आय अर्जित होती है जिसके कारण से फार्मर्स की जो वित्तीय अवस्था है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, उसका उन्नयन होता है और इसके साथ ही साथ फिश फार्मिंग एक रोजगार उत्पन्न करने का भी क्षेत्र होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग निश्चित रूप से ये उपयोगी होता है। फिश फार्मिंग के प्रकार। फिश फार्मिंग की प्लानिंग करने से पहले फिश फार्मिंग के प्रकार को जानना जरूरी है। फिश फार्मिंग मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला, ऑब्जेक्ट बेस्ड फार्मिंग, जिसे हम कह सकते हैं कि फिश फार्मिंग का उद्देश्य क्या है, और दूसरा है सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग, जिसमें हम फिश का जो कल्चर है, कल्टीवेशन है, वो किस तरीके से करना चाहते हैं, यह कहलाता है सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग। ऑब्जेक्ट बेस्ड फार्मिंग इस पहले प्रकार में जो बिंदु शामिल हैं उनमें पहला है कंप्लीट फिश फार्मिंग, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग, तीसरा एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग, चौथा इंटेंसिव फिश फार्मिंग और पांचवा है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। ये पांच प्रकार जो फार्मिंग के हैं यह उद्देश्य पर आधारित हैं। दूसरा सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग, इसके अंतर्गत शामिल है पहला मोनोकल्चर, दूसरा पॉलीकल्चर या कंपोजिट कल्चर, तीसरा मोनोसेक्स कल्चर, चौथा सीवेज फेड फिश कल्चर और पांचवा है एयर ब्रीडिंग फिश कल्चर। आइए हम इन दोनों प्रकार के फिश फार्मिंग का विस्तार से अध्ययन करें। पहला है कंप्लीट फिश फार्मिंग। इस तरह की प्रैक्टिस में फिश फार्मिंग के अंतर्गत फिश के अंडों के उत्पादन से लेकर के उन्हें उनके ग्रोथ की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए पूर्ण विकसित मछलियों के उत्पादन तक की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यदि फिश
फिश फॉर्म में आरंभ से लेकर के अंत तक सभी चरणों में फिश फार्मिंग की जाती है तो ये कंप्लीट फिश फार्मिंग कहलाती है। और ये जो फुल साइज्ड फिशेस होती हैं, वेल ग्रोन फिशेस होती हैं, इन्हें भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, इनकी मार्केटिंग की जा सकती है और इन वेल ग्रोन फिशेस को ब्रूडर्स के रूप में भी इस्तेमाल करते हुए ब्रीडिंग और सीड प्रोडक्शन के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्लीट फिश फार्मिंग में जो आवश्यक सुविधाएं कल्चर के लिए व्यवस्था करनी होगी वो फिश की ब्रीडिंग के लिए, फीडिंग के लिए, ग्रोथ के लिए करनी होती है। दूसरा है रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग। रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग का आशय यह है कि जिस फिश प्रजाति का चयन किया गया है उनमें से किसी एक या दो अवस्थाओं तक ही फार्मिंग की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि सीड प्रोडक्शन का उद्देश्य है तो ब्रूडर्स का उपयोग करते हुए उनकी ब्रीडिंग कराई जाती है और ब्रीडिंग कराने के बाद जो फिश सीड तैयार किए जाते हैं उनकी मार्केटिंग की जाती है। तो यहां पर फार्मिंग का उद्देश्य केवल सीड प्रोडक्शन का है, इसलिए यह रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग कहलाता है। इसी तरीके से यदि फार्मिंग के द्वारा मार्केट में ब्रूडर्स की सप्लाई करनी है तो ब्रूडर्स तक विकास की तमाम प्रक्रियाएं यदि फॉर्म में प्रैक्टिस की जाती हैं तब भी वह रिस्ट्रिक्टेड फिश फार्मिंग के अंतर्गत शामिल होगा। तो जिस तरह की प्रक्रिया या फार्मिंग फार्मर करना चाहता है उस तरह से फिश फार्म का एस्टेब्लिशमेंट करना आवश्यक होता है और यह भी प्लानिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तीसरा है एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग। इसका आशय फिश का जो कल्टीवेशन या कल्चर किया जाता है वह कल्चर पूरी तरह से नेचुरल फूड पर आधारित होता है और इसमें फिश जिनका कल्चर किया जा रहा है उनको आर्टिफिशियल फूड नहीं दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जो तालाब होते हैं उन तालाब में फार्मर फिश का कल्चर करते हैं और फिश सीड वहां इंट्रोड्यूस करके वो बीज की तमाम प्रक्रियाएं स्किप कर जाते हैं और केवल अंत में जब निर्धारित अवधि के बाद फिश वेल ग्रोन हो जाती हैं तब उनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर यह जानना जरूरी है कि एक्सटेंसिव फिश फार्मिंग में फिश की वृद्धि का जो संपूर्ण दायित्व होता है उसकी जो निर्भरता होती है यह उस पॉन्ड में मौजूद नेचुरल फूड पर ही होती है। चौथा है इंटेंसिव फिश फार्मिंग। इस तरह के फिश फार्मिंग में पॉन्ड में फिश का जो ग्रोथ है उसकी जो देखभाल है वो फार्मर के द्वारा ही की जाती है और पूरी की प्रक्रिया फार्मर के सुपरविजन में उसके ऑब्जर्वेशन में ही पूर्ण होती है। और इस प्रकार की फार्मिंग में कल्चर किए जाने वाले फिशेस को पॉन्ड में मौजूद नेचुरल फूड के साथ ही साथ उनको आर्टिफिशियल फूड भी प्रदान किया जाता है तब इस प्रकार का फार्मिंग इंटेंसिव फिश फार्मिंग कहलाता है। आइए हम देखें पांचवें प्रकार का फिश फार्मिंग, यह कहलाता है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। यदि दो अलग अलग तरह के कल्चर प्रैक्टिस को एक साथ
एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए तब उस प्रकार का जो फार्मिंग है वो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहलाता है। ये इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग दो तरह से हो सकता है। पहला, फिश फार्मिंग अलोंग विथ द एग्रीकल्चरल क्रॉप, जैसे धान की खेती के साथ फिश का कल्चर किया जा रहा है, या बनाना की खेती के साथ फिश का कल्चर किया जा रहा है, सब्जियों के साथ फिश का कल्चर किया जा रहा है, कोकोनट फील्ड में फिश का कल्चर किया जा रहा है, तब इस प्रकार का जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वह इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग कहलाएगा। यहाँ पर ध्यान दें कि इस तरह का जो इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस है वो एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ में किया जा रहा है। दूसरे तरह का जो इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग है ये एनिमल बेस्ड प्रोफेशन के साथ में किया जाता है, जैसे पोल्ट्री, पिगरी, डेयरी एट्सेट्रा। तो पोल्ट्री के साथ में यदि फिश कल्चर को जोड़ दिया जाता है, या पिग के साथ में फिश कल्चर को जोड़ दिया जाता है, या डेयरी के साथ में फिश कल्चर को जोड़ दिया जाता है, तब इस प्रकार के संयुक्त अभ्यास को कहा जाता है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। और इसकी वजह यह है कि पोल्ट्री, पिगरी या डेयरी से जो एक्सक्रीटा निकलता है, जैसे कि काऊ डंग है, पोल्ट्री डंग है, पिग डंग है, उनके यूरिन है, इन सबको फिश पॉन्ड में भोजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो प्रोडक्ट होते हैं पॉन्ड के साथ मिक्सअप होकर के पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। पॉन्ड में जो फाइटो और जू प्लैंकटॉन्स हैं जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में होते हैं उनकी वृद्धि करते हैं, और ये जो प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में फाइटो और जू प्लैंकटॉन्स फ्लरिश हो रहे हैं ये फिश के प्राइमरी फूड के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए अब हम देखें सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग। सिलेक्शन बेस्ड फार्मिंग में पहला जो सिलेक्शन का आधार है वो है मोनोकल्चर। मोनोकल्चर का तात्पर्य यह है यदि फार्मिंग में मछलियों की किसी एक प्रजाति का चयन करते हुए उसका ही कल्चर फार्म में किया जाता है तब इस प्रकार के कल्चर को मोनोकल्चर कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि लेबियो का कल्चर किया जा रहा है तो वह मोनोकल्चर की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। आइए देखें पॉलीकल्चर के बारे में। पॉलीकल्चर को कंपोजिट कल्चर या मिक्स कल्चर भी कहा जाता है, और पॉलीकल्चर के अंतर्गत दो या दो से अधिक मछलियों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही पॉन्ड में साथ साथ कल्चर किया जाता है, और यह कल्चर फायदेमंद भी होता है क्योंकि जो पॉलीकल्चर के अंतर्गत मछलियों की विभिन्न अलग अलग प्रजातियों का चयन किया जाता है उनकी फीडिंग हैबिट्स भी अलग अलग होती हैं, जिसके फलस्वरूप वो पॉन्ड में उपस्थित अलग अलग प्रकार के भोजन को अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करती हैं, जिसके कारण से उन प्रजातियों के मध्य में किसी तरह का कोई कंपटीशन या कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती। तो पॉलीकल्चर ये मोनोकल्चर की तुलना में बेहतर होता है। पॉन्ड कल्चर में पॉलीकल्चर के अंतर्गत हम यहां दिखा रहे हैं फूड हैबिट के बारे में। यदि पॉलीकल्चर में चाइनीज कार्प, ग्रास कार्प और बिग हेड कार्प का कल्चर किया जाता है तो इनके जो भोजन हैं ये पॉन्ड में अलग अलग होते हैं। चाइनीज कार्प ये फाइटोप्लैंकटॉन्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है, ग्रास कार्प पॉन्ड वेजिटेशन
को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है और बिग हेड कार्प ये जू प्लैंकटन्स को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अलग अलग प्रजातियों का कल्चर एक साथ करने पर पॉन्ड में उपलब्ध सभी प्रकार के भोजन का समुचित उपयोग किया जा सकता है और इस तरीके से पॉलीकल्चर में चयनित किए गए मछलियों के बीच में भोजन को लेकर के किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और इसलिए बेहतर उत्पादन के लिए पॉलीकल्चर उन्नत माना गया है। तीसरा है मोनोसेक्स कल्चर। मोनोसेक्स कल्चर के अंतर्गत चयन की गई मछली के किसी एक सेक्स अर्थात मेल या फीमेल मछली का ही कल्चर के लिए उपयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर तेलपिया, इसका मोनोसेक्स कल्चर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका नतीजा यह होता है कि जो भी भोजन इस्तेमाल करते हुए फिश अपनी ग्रोथ करती है उस भोजन का जो अधिकांश ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से मछलियों की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल में आता है और चूंकि अपोजिट सेक्स का कल्चर इनके साथ नहीं हो रहा है इसलिए रिप्रोडक्शन का अवसर इन मछलियों को नहीं मिलता है और इसलिए जो ऊर्जा है वह रिप्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती है, अतः ऐसी ऊर्जा का पुनः इस्तेमाल फिश की ग्रोथ के लिए किया जाता है। चौथा है सीवेज फेड फिश कल्चर। सीवेज फेड का आशय यह है कि जो वेस्ट वाटर है, सीवेज वाटर है, उसे भी एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हुए यदि उसे फ्रेश वाटर के साथ एक निश्चित अनुपात में ट्रीटमेंट करने के बाद मिक्स कर दिया जाए तो उसमें भी मछलियों का जो कल्चर है वो किया जा सकता है और ये सीवेज इसमें अनेक तरह के जो बेनिफिशियल या यूजफुल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं ये पॉन्ड की फर्टिलिटी को, पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं। तो सीवेज फेड फिशरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो सीवेज वाटर को प्रोडक्टिव बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है जो काफी सफल भी है। पांचवा है एयर ब्रीदिंग फिश कल्चर। इस तरह की प्रैक्टिस में यह ध्यान रखा जाता है कि यदि वाटर टेबल पर्याप्त नहीं है या पानी में ऑक्सीजन की कमी निरंतर बनी रहती है ऐसी स्थिति में उन फिशेस का कल्चर के लिए चयन किया जाता है जो एयर ब्रीदिंग होती जिन्हें एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में एयर अपरेटस मौजूद होते हैं। तो एयर ब्रीदिंग फिशेस जो पानी में रहते हुए गिल्स के द्वारा और पानी में ऑक्सीजन की कमी हो जाने पर एटमॉस्फेरिक एयर के द्वारा रेस्पिरेशन करके सर्वाइव कर सकती हैं ऐसी फिशेस का कल्चर करना एयर ब्रीदिंग फिश कल्चर कहलाता है। इनके बेहतर उदाहरण हैं क्लेरियस, हिट्रोक्नेस्टस और चन्ना। इनका एयर ब्रीदिंग फिश कल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्लानिंग ऑफ द फिश फार्म। एक फिश फार्म आरंभ करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी जरूरी है और एक सक्सेसफुल फिश फार्म के लिए जरूरी है कि उसकी प्लानिंग वैज्ञानिक तौर पर उन्नत होनी चाहिए और साथ ही साथ उनका मैनेजमेंट भी बेहतर होना चाहिए। फिश फार्मिंग की प्लानिंग के लिए
जिन महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देनी चाहिए वो इस तरह से हैं। पहला, लोकेशन ऑफ द फिश फार्म। दूसरा, टोपोग्राफी एंड सॉइल प्रॉपर्टीज। तीसरा, सोर्स ऑफ वाटर। चौथा, अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल फूड रिसोर्सेस, देयर बेटर यूटिलाइजेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। पांचवा, द नंबर ऑफ फिश पॉन्ड्स एंड सेलेक्शन ऑफ द टाइप्स ऑफ फिश कल्चर। छठवा, ले आउट कंस्ट्रक्शन ऑफ फिश फार्म एंड पॉन्ड। सातवा, सेलेक्शन ऑफ सुटेबल फिशेस फॉर कल्चर। आठवां, कंडीशनिंग प्रोसेस ऑफ पॉन्ड। नौवां, स्टॉकिंग डेंसिटी एंड मेथड्स फॉर सिस्टमेटिक कंट्रोल ऑफ देयर डेवलपमेंट। दसवां, मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग द फिश एंड देयर यूटिलाइजेशन। ग्यारहवां, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। आइए हम विस्तार से इनका अध्ययन करें। पहला है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फिश फार्म। प्लानिंग के लिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है और फिश फार्म को एस्टेब्लिश करने के पहले इन आठ बिंदुओं को ध्यान देना अति आवश्यक है, जो इस तरह से हैं। पहला, सिचुएशन ऑफ द फार्म। दूसरा, टोपोग्राफी। तीसरा, सॉइल प्रॉपर्टीज। चौथा, वाटर सप्लाई। पांचवा, एम्बैंकमेंट। छठवां, ड्रेनेज। सातवां, ओवरफ्लो स्पिलवे। और आठवां है इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्य योजना बनाते समय इन आठ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना आवश्यक होता है। आइए विस्तार से हम इनके प्रत्येक बिंदु का अध्ययन करते हैं। पहला है सिचुएशन ऑफ द फिश फार्म। फिश फार्म स्थापित करने की जो योजना है उसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि फिश फार्म का जो लोकेशन है वो कैसा होना चाहिए। फिश फार्म का लोकेशन बेहतर होगा यदि वह रोड के किनारे हो, वॉनर के अप्रोच में हो, टाउनशिप के करीब हो। यदि इन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन बातों को प्राथमिकता दी जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन में, सुपरविजन में सुविधा होगी, आसानी होगी। तो फिश फार्म का लोकेशन उसकी देखरेख के लिए, उसको मैनेज करने के लिए और प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। दूसरा, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का आशय है कि फार्म जहां पर चयन किया जा रहा है वहां पर की भूमि संरचना कैसी है। तो जिस जगह पर फिश फार्म बनाने की योजना है वहां पर की भूमि न तो बहुत ज्यादा समतल होनी चाहिए और न बहुत ज्यादा हिली या बहुत ज्यादा ऊंची होना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा फ्लैट है, समतल है, तो पानी का रुकना मुश्किल होता है, दुविधा होती है, और बहुत ज्यादा हिली है तो पानी तेजी के साथ पॉन्ड में जा सकता है, ओवर फ्लडिंग की स्थिति बन सकती है और पॉन्ड को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए चयन करते समय इस बात को ध्यान रखें कि जिस भूमि का चयन फार्म बनाने के लिए किया जा रहा है वह भूमि अपने तीन तरफ से थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए तथा उसका चौथा हिस्सा, चौथा सिरा, वो हल्का सा स्लोप लिए होना चाहिए। इससे आवश्यकता अनुसार पॉन्ड को ड्रेन ऑफ किया जा सकता है, उसके मेंटेनेंस के लिए ये सुविधाजनक होता है।
तीसरा है सॉइल प्रॉपर्टी। जिस भूमि का चयन किया गया है उस भूमि पर जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसकी गुणवत्ता को भी ध्यान देना आवश्यक होता है। और सॉइल प्रॉपर्टी बहुत सारी बातों पर निर्भर रहती है। इनमें से पहला है वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। जो सॉइल है उसमें पानी को धारण करने की, पानी को रोकने की, अधिग्रहित करने की क्षमता होनी चाहिए। यदि वो सॉइल बहुत ज़्यादा ग्रेवली है, उसमें कंकड़ इत्यादि बहुत ज़्यादा हैं, उसमें रेत बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसी स्थिति में वो जो सॉइल होगा उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत हाई होगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम होगी। इसकी वजह यह है कि ऐसे ग्रेवली और सैंडी सॉइल से जो पानी है वो सीपेज के द्वारा पॉन्ड से बाहर चला जाएगा, और इसकी कारण से पॉन्ड में वाटर का जो रिक्वायर्ड लेवल है वो प्रभावित होगा, उसको बार बार मैनेज करने में असुविधा होगी। यदि जो सॉइल है उसमें सीपेज है लेकिन वो सीपेज कम है, उस सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बेटर है लेकिन उसमें सीपेज है, तो इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और ट्रीटमेंट के लिए पॉन्ड बनाने के बाद उस पॉन्ड के बॉटम पर एक केमिकल है जिसको बेंथोमाइट कहा जाता है। इस बेंथोमाइट को पूरी सतह पर समान रूप से स्प्रेड कर देना चाहिए। और ये जो बेंथोमाइट होता है, ये बेंथोमाइट पानी के साथ घुल करके उन पोर्स को सील कर देता है जहां से पानी सीप करके पॉन्ड से बाहर जा सकता है। क्ले सॉइल इज द बेस्ट फॉर दिस पर्पस। जो दूसरे तरह की मिट्टी है जिसमें ग्रेवल्स कम हो, नहीं के बराबर हो, रेत कम या नहीं के बराबर हो, ऐसी मिट्टी, ऐसा सॉइल उत्तम होता है, क्योंकि इस सॉइल में वाटर रिटेंशन कैपेसिटी या जल को धारण करने की, जल को रोकने की जो क्षमता होती है वो बेहतर होती है, हाई होती है। सॉइल न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम देखें कि सॉइल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सॉइल में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं जब पॉन्ड में पानी भरा जाएगा तो ये पानी के साथ मिलेंगे, पानी में घुलेंगे, और घुलने से पानी की जो प्रोडक्टिविटी है, पानी की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होगी। और जब पानी की फर्टिलिटी बढ़ेगी, पॉन्ड की फर्टिलिटी बढ़ेगी, तो निश्चित तौर पर उसमें जो फाइटो और जू प्लैंकटॉन्स हैं इनको फ्लरिश होने में आसानी होगी, इनकी संख्या बड़ी तेजी के साथ बढ़ेगी। और ये जो फाइटो और जू प्लैंकटॉन्स हैं ये फिश को भोजन के रूप में आसानी के साथ उपलब्ध हो सकेंगे। नेक्स्ट है सॉइल पीएच। सॉइल में सारी प्रॉपर्टीज सुटेबल हैं लेकिन उसके बावजूद भी सॉइल का पीएच यह पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को, उसकी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। सॉइल का जो पीएच है वो 7 से 9 के बीच में होना चाहिए। यदि सॉइल एसिडिक है तो एसिडिक सॉइल होने के कारण से जो पॉन्ड वाटर है वो एसिडिक हो सकता है, और एसिडिक वाटर ये जो कल्टिवेबल फिशेज हैं जिन पॉन्ड में इनका कल्चर किया जाना है उन मछलियों के लिए नुकसानदायक होती है। इसी तरीके से यदि सॉइल में एल्कलिनिटी बहुत ज़्यादा है, सॉइल बहुत ज़्यादा क्षारीय है, तो वह भी पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को कम कर देता है। ऐसी स्थिति में सॉइल के पीएच को मेजर करने के लिए यह आवश्यक है कि सॉइल की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए।
और सॉइल टेस्टिंग के लिए यह आवश्यक है कि जिस जगह पर यह कार्य योजना बनाई जा रही है उस जगह पर कम से कम 1.5 मीटर की गहराई से मिट्टी का सैंपल लिया जाए और उस सैंपल का परीक्षण करते हुए उनमें न्यूट्रिएंट्स का, उनमें पीएच का और उसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का अध्ययन किया जाए, और यदि ये मापदंड पर अनुकूल है तब हम कह सकते हैं कि पॉन्ड कंस्ट्रक्शन के लिए वह सॉइल प्रॉपर्टी सर्वथा अनुकूल है। आइए हम देखें वाटर सप्लाई के बारे में। वाटर सप्लाई में हम देखते हैं अवेलेबिलिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी से तात्पर्य है कि फिश फार्मिंग के लिए पानी की जो उपलब्धता है उसका स्रोत क्या है। पॉन्ड में वाटर सप्लाई करने के लिए आसपास कौन से स्रोत मौजूद हैं, रिजर्वायर हैं, रिवर्स हैं, स्ट्रीम हैं, केनाल हैं, या फिश फार्म में ट्यूबवेल की व्यवस्था करके पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित की जाएगी। दूसरा, क्वालिटी ऑफ वाटर। पानी की जो गुणवत्ता है वह पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को सीधे सीधे प्रभावित करती है। आइए हम देखें क्वालिटी का संबंध प्रोडक्टिविटी से किस तरीके से होता है। पहला, यदि पॉन्ड में भरा जाने वाला पानी बहुत ज्यादा क्लियर है, स्वस्थ है, साफ है, तो यह संकेत करता है कि उस पानी में जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी कमी है। और यदि ऐसे क्लियर वाटर का उपयोग फिश कल्चर के लिए करना आवश्यक है तो उस पानी को पहले मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की आपूर्ति करते हुए फर्टिलाइज करना होगा, तत्पश्चात उसमें फिश इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। दूसरा, यदि पानी मडी है, मटमैला है, तो इस पानी में जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, उनकी संख्या, उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी दशा में यदि सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा हैं तो वो पॉन्ड की प्रोडक्टिविटी को, पॉन्ड की फर्टिलिटी को कम कर देते हैं। ऐसी दशा में यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पॉन्ड में जो वाटर सप्लाई की जा रही है उसको मडी नहीं होना चाहिए, उसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और यदि उपलब्ध पानी का यही एकमात्र स्रोत है तो पहले इस पानी को किसी तरह से सस्पेंड किया जाना चाहिए ताकि सस्पेंडेड अवस्था में इसमें जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ जाए, तब ऊपर के हिस्से के पानी को पॉन्ड में सप्लाई किया जा सकता है। तीसरा है, यदि पानी का उपलब्ध जो स्रोत है उसका पानी हल्के हरे रंग का दिखाई देता है, ये एक अच्छा संकेत है, क्योंकि जो हरा पानी है उसमें जो नेचुरल फूड हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन्स की प्रचुरता इस बात को निर्धारित करती है कि पानी का रंग हरा है और पानी में पर्याप्त मात्रा में फिश के नेचुरल फूड उपलब्ध हैं। चौथा, ब्राउन वाटर। यदि पानी का रंग ब्राउन या भूरा दिखाई देता है तो यह इस बात का संकेत देता है कि पानी एसिडिक है और एसिडिक वाटर फिश कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल प्रतिकूल होता है, इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन यदि पानी का यही एक स्रोत उपलब्ध है तो इस ब्राउन वाटर को पहले न्यूट्रलाइज करना होगा लाइम के द्वारा, चूने के द्वारा, और न्यूट्रलाइज करने के बाद जब उसका पीएच विद इन रेंज आ जाता है
तब उसे पॉन्ड में सप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट अब देखें क्वांटिटी ऑफ वाटर। क्वांटिटी फिश फार्मिंग के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है, क्योंकि कुछ फिशेज ऐसी हैं जिनको बहुत अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता है और कुछ फिशेज ऐसी हैं जो कम पानी की मात्रा में भी सरवाइव कर सकती हैं। एक टेबल के माध्यम से हमने यहाँ पर दर्शाया है कि फिशेज की जो रिक्वायरमेंट होती है ये दो तरह की होती है। पहला, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश एंड वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर, कुछ फिशेज को इसकी आवश्यकता होती है। वहीं दूसरी ओर कुछ फिशेज ऐसी हैं जिन्हें लेसर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और लेसर अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है। तो फिश फार्मिंग में जो कार्य योजना प्लान की जा रही है उसमें इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि पानी जो उपलब्ध है उसकी क्वांटिटी किस रूप में प्राप्त हो रही है। पांचवा, एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का आशय है जो पॉन्ड कंस्ट्रक्ट किया जाएगा उसके जो पार्ट हैं, उसके जो मेड या बाउंड्रीज हैं वो भी अप टू दी मार्क होनी चाहिए। अप टू दी मार्क का आशय यह है कि वो जो बैंक होगा, वो जो तट होगा, उस पर वेदरिंग का, मौसम का, वेव्स का, लहरों का और साथ ही साथ बारिश के समय जो फ्लड है उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इनको किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। एम्बैंकमेंट में दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एम्बैंकमेंट में जो तट है उसको कम से कम 90 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए तथा 60 से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक उसकी चौड़ाई होनी चाहिए। और ये जो मापदंड है, ये मापदंड उस पॉन्ड में जो वाटर टेबल फिक्स किया जाएगा उसके अनुरूप है। स्लोप की जहां तक हम बात करें, आउटर और इनर स्लोप का जो अनुपात है ये 2:1 होना चाहिए। एक अच्छा एम्बैंकमेंट पॉन्ड की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक होता है। नेक्स्ट हम देखें ड्रेनेज। ड्रेनेज की कार्य योजना बनाना भी अति आवश्यक है, क्योंकि पॉन्ड में जो पानी भरा जाता है उस पानी का इस्तेमाल निरंतर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें आवश्यकता अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में ड्रेन ऑफ करना भी आवश्यक होता है। और ड्रेन ऑफ करने के लिए ड्रेनेज की व्यवस्था भी अति आवश्यक होती है, इसकी प्लानिंग भी आवश्यक होती है। पॉन्ड में जिस स्थान पर ड्रेनेज की व्यवस्था की जानी है उस स्थान पर कंक्रीटिंग की सुविधा होनी चाहिए और कंक्रीट के माध्यम से स्टील या पीवीसी पाइप आउटलेट के रूप में वहां पर लगाना चाहिए। जो आउटलेट के रूप में पाइप लगाई जा रही है उस पाइप का जो डायमीटर है, उसकी जो साइज है, इस बात पर निर्भर करती है कि उस पॉन्ड में वाटर टेबल कितना होगा और उस पॉन्ड की वाटर कैपेसिटी कितनी है। इसके अनुरूप ही उस पॉन्ड में ड्रेनेज सिस्टम का इस्तेमाल प्रयोजित करना चाहिए। इस ड्रेनेज पाइप में वाटर रेगुलेटिंग डिवाइस, जिसे हम वाल्व भी कह सकते हैं, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वाटर टेबल को मेंटेन करने या वाटर को पूरा ड्रेन ऑफ करने में आवश्यकता अनुसार इनका इस्तेमाल किया जा सके। सातवां है ओवरफ्लो स्पिलवे।
ओवरफ्लो यदि पॉन्ड में वाटर टेबल निर्धारित पॉइंट से यदि एक्सीड करता है तो उस एक्स्ट्रा वाटर को पॉन्ड से ऑटोमेटिकली ड्रेन ऑफ होने के लिए ओवरफ्लो स्पिलवे की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो ओवरफ्लो स्पिलवे है ये ऑटोमेटिक होनी चाहिए, इसमें स्क्रीन आदि के इस्तेमाल की भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो भी अतिरिक्त पानी इस पॉन्ड में अचानक आ रहा है वह पानी आसानी के साथ उस पॉन्ड से बाहर निकल जाए और पॉन्ड में वाटर टेबल निर्धारित ऊंचाई तक बना रहे। आठवां है इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी। प्लानिंग ऑफ फिश फार्म में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता फिश फार्म में कई कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक होती है, जैसे रेसिडेंशियल हाउस, सर्वेंट क्वार्टर, स्टोव, पंप हाउस, लेबोरेटरी और इसके अलावा जो उपकरण हैं उनके चालन परिचालन के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। ये सब महत्वपूर्ण बातें हुई फिश फार्म के प्लानिंग के संदर्भ में। रेफरेंस हम देखें जिन लिटरेचर से हमने यह अंश तैयार किया है उनके नाम यहां पर प्रदर्शित हैं। धन्यवाद।